एमपी में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री चौहान ने लॉकडाउन जैसे हालातों के संकेत भी दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना को लेकर चौकन्ना है। उन्होंने कहा, एमपी में 1700 मामले कोरोना के आए हैं, संख्या रोज बढ़ रही है। मेरी होली मेरे घर अभियान चला रहे हैं। अब संक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखूंगा कोरोना में सहयोग करने के लिए। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कोरोना को रोकने की। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जल्द ही सख्त कदम उठाने के भी संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए हमको कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे, ये मुझे आवश्यक लगता है। एक बार फिर विचार विमर्श करके आज फिर कुछ फैसले करेंगे। मैं सभी राजनीतिक दलों को भी आज अध्यक्षों को पत्र लिखूंगा, धर्म गुरुओं को भी पत्र लिखूंगा, अपील करूंगा और मीडिया के मित्रों से भी अपील करूंगा कि सब मिलके जागरूकता का अभियान चलाएं भी और उसमें सहयोग भी करें, ताकि हम बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोक। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा। वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है। स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।